तो अभी तक हम लोग जो है प्रूव किए थे सिंगल वाले रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सेवन, रूट सिक्स, रूट इलेवन, ऐसे वाले नंबर्स को इरेशनल नंबर प्रूव किए थे। अब क्या होता है ना कि इरेशनल वाले टर्म के साथ कुछ रैशनल वाले टर्म्स भी क्या है उसके साथ इंक्लूडेड रहे, शामिल रहे, और वैसे टर्म्स को हमको प्रूव करना है कि ये इरेशनल होगा। जैसा कि एक एग्जांपल देखिए आपको दिए हैं, सो डैट टू रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर। टू रूट थ्री एक इरेशनल नंबर है, ऐसा मेरे को प्रूव करना है। तो यहाँ पर हम पहला नंबर, इसे प्रूव करने से पहले कुछ इसमें हम ध्यान देते हैं कि टू रूट थ्री जो है उसमें थोड़ा सा आप गौर से देखेंगे कि टू रूट थ्री जो है उसमें टू जो है एक रैशनल नंबर है और रूट थ्री एक जो है इरेशनल नंबर है। तो इफ पॉसिबल, यदि पॉसिबल है तो मान लेते हैं कि टू रूट थ्री जो है एक रैशनल नंबर है। टू रूट थ्री एक रैशनल नंबर है और उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं पी बाई क्यू। तो अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है कि टू रूट थ्री को हम लोग एक रैशनल नंबर मान लिए हैं और उसको उसका सिंपलेस्ट फॉर्म को पी बाई क्यू, तो टू रूट थ्री को पी बाई क्यू के बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर वही मैंने किया है कि टू रूट थ्री को पी बाई क्यू के बराबर लिखा है। अब हमको रूट वाले टर्म को एक तरफ रहने देना है और सिंपल नंबर को एक तरफ। तो इधर टू रूट थ्री है, ये टू रूट जो थ्री है यहाँ से टू हटाएंगे तो टू इधर मल्टीप्लाई में है तो बराबर को वो साइड जा करके वो डिवाइड में हो जाएगा, इसलिए रूट थ्री बराबर हो गया पी बाई टू क्यू। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है पी बाई टू क्यू जो आया है, पी बाई टू क्यू जो आया है और एक तरफ जो आया है वो है रूट थ्री, एक तरफ रूट थ्री आया और एक तरफ पी बाई टू क्यू आया है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो राइट साइड में पी बाई टू क्यू है उसमें पी और न्यूमरेटर के रूप में पी और डिनोमिनेटर के रूप में टू क्यू, वो दोनों इंटीजर हैं, कहने का मतलब, और नीचे वाला जो है कभी जीरो के बराबर नहीं है एंड टू क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। इससे साफ जाहिर होता है कि ये जो है पी बाई टू क्यू एक रैशनल नंबर है और उसी के बराबर जो लेफ्ट साइड में है वो एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पर लिखे सो पी बाई टू क्यू इज एन रैशनल नंबर एंड रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर। तो एक तरफ रैशनल आ रहा है और एक तरफ इरेशनल आ रहा, दोनों बराबर है, तो ऐसा कभी भी संभव नहीं है। तो इसलिए लिखे हैं कि सो दिस कंट्राडिक्स, ये जो हम लोग कंट्राडिक्स माने हैं, ये जो कंट्राडिक्स, सो दिस द कंट्राडिक्स टू रूट थ्री इज ए रैशनल नंबर, टू रूट थ्री एक रैशनल नंबर है, ये गलत माने हैं, ये माना गलत है। तो आप साफ जाहिर है कि कोई रियल नंबर अगर रैशनल नहीं है तो डैट मीन्स क्या है, इरेशनल नंबर, क्योंकि हम लोग जानते हैं एवरी रियल नंबर आइदर रैशनल और इरेशनल, सभी रियल नंबर जो होता है या तो रैशनल होता है या तो इरेशनल। तो हैंस टू रूट थ्री जो है यहाँ पर एक क्या हो गया, टू रूट थ्री जो हो गया एक इरेशनल नंबर प्रूव हो गया। अब आगे की ओर बढ़ते हैं तो इसी टाइप का बहुत सारे और क्वेश्चन है जिसको आपको प्रूव करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थ्री रूट फाइव, तो इसमें भी क्या करना है आपको, p बाई क्यू के बराबर मान लेने के बाद एक तरफ p बाई क्यू, एक तरफ रूट वाले टर्म रखेंगे, एक तरफ p बाई क्यू के तरफ सारा चीज़ भेज देंगे तो पता चलेगा कि एक तरफ रैशनल है और एक तरफ इरेशनल है। तो फिर वापस वही बोलेंगे कि ये कंट्राडिक्स गलत है, जब कंट्राडिक्स गलत हो गया रैशनल मानने वाला तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। टू रूट सेवन भी इसी प्रकार से बन जाएगा, रूट थ्री बाई फाइव है तो ये फाइव उधर चला जाएगा पी बाई क्यू के तरफ, तो इसको भी उसी तरह से बना लेंगे। यहाँ पर सिक्स रूट सेवन, सिक्स रूट थ्री बाई सेवन है तो यहाँ पर सिक्स बाई सेवन को पी बाई क्यू के तरफ भेज देंगे। तो बाकी ये सब उम्मीद करते हैं कि आप लोगों से बन जाएगा, ये सब जो था अब बन गया। अब कुछ और भी जो है इसमें हम लोग देख लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, एक क्वेश्चन आया है जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि टू प्लस रूट थ्री एक इरेशनल, ऐसा प्रूव करना है टू प्लस रूट थ्री एक इरेशनल नंबर है, ऐसा प्रूव करना है। तो टू जो है यहाँ पर एक रैशनल नंबर है और रूट थ्री एक इरेशनल नंबर है। तो पहला लाइन में सॉल्यूशन के पहला लाइन में यही बताया कि टू एक रैशनल नंबर है और रूट थ्री एक इरेशनल नंबर है। इफ पॉसिबल, यदि संभव है तो मान लेते हैं कि लेट टू प्लस रूट थ्री होल थिंग्स को, पूरे चीज़ को हम मान लेते हैं कि एक रैशनल नंबर है। तो इफ पॉसिबल, यदि संभव है तो लेट टू प्लस रूट थ्री इज ए रैशनल नंबर एंड इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इज पी बाई टी पी बाई क्यू, और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म जो है पी बाई क्यू है। अब थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम टू प्लस रूट थ्री, यहाँ पर ध्यान देंगे कि टू प्लस रूट थ्री को हम पी बाई क्यू के बराबर माने हैं तो टू प्लस रूट थ्री को बराबर लिख दिए हैं p
पी बाई क्यू। अब यहाँ पर ये देखिए, तो अब हमको यहाँ पर ये जो टू है इस टू को हटाना है, तो ये टू हटाएंगे तो ये टू प्लस में है तो बराबर का वो साइड जा करके वो माइनस में हो जाएगा, तो रूट थ्री बराबर पी वाई क्यू माइनस टू आ गया। और जब इसको मैंने कैलकुलेट किया तो रूट थ्री बराबर आ गया पी माइनस टू क्यू बाई क्यू। तो यहाँ पर पी माइनस टू क्यू जो है पी माइनस टू क्यू बाई क्यू के न्यूमरेटर के रूप में पी माइनस टू क्यू है और डिनोमिनेटर के रूप में क्यू है, और ये दोनों इंटीजर्स है और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, यानी हम फाइनली बोल सकते हैं कि बराबर के राइट साइड वाला चीज़ बोले तो पी माइनस टू क्यू बाई क्यू जो है एक रैशनल नंबर है और लेफ्ट साइड में रूट थ्री एक इरेशनल नंबर है। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक तरफ रैशनल आ रहा है और एक तरफ इरेशनल आ रहा है, तो यानी ऐसा कभी संभव नहीं है। यहाँ पर मेरा जो ये मानना है कि इसको जो हम रैशनल माने थे टू प्लस रूट थ्री को, ये गलत है, तो वही लिखे हैं सो द कंट्राडिक्स। ये जो कंट्राडिक्स है टू प्लस रूट थ्री इज ए रैशनल नंबर, यानी ये जो मेरा मानना है कि टू प्लस रूट थ्री एक रैशनल नंबर है ये रॉन्ग है, गलत है। तो ये गलत है, तो यानी कि एवरी, फिर वही फंडा, एवरी रियल नंबर आइदर रैशनल और इरेशनल, तो जब ये रैशनल नहीं हुआ तो ये क्या हो गया, इरेशनल। तो इसी कारण हैंस टू प्लस रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर। उसके बाद नीचे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बना देंगे। फोर प्लस रूट टू, सेवन माइनस रूट फाइव, फोर बाई फाइव प्लस रूट थ्री, एलेवन माइनस टू रूट थ्री, ये सारा चीज़ आप बनाएंगे ऐसा उम्मीद करते हैं। तो अब आगे का क्वेश्चन लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में।